बाबर आजम के साथ भारत में वो होने वाला है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। भारत में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ गया है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी टक्कर 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी। पूरी दुनिया भारत पाकिस्तान की टक्कर देखने के लिए बेताब है। पाकिस्तान की टीम भारत आने की तैयारी कर रही है। बाबर आजम के साथ भारत में वो होने वाला है जो उन्होंने अभी तक अपने करियर में पहले कभी नहीं देखा होगा और न ही कभी महसूस किया होगा। पाकिस्तान की टीम पहली बार भारत में खेलेगी। बाबर आजम भी अपने करियर में पहली बार ही यहां खेलेंगे। वो पूरी दुनिया में कई जगह खेले हैं मगर भारत में खेलने का अनुभव उन्हें अब मिलेगा। भारत की टीम दुनिया के जिस मैदान पर पाकिस्तान से टकराती है वो मैदान ही उसका होम ग्राउंड बन जाता है। पूरा स्टेडियम नीले रंग में रंग जाता है और अब तो रोहित शर्मा की टीम अपने घर में ही पाकिस्तान से टकराएगी। ऐसे में स्टेडियम के साथ साथ पूरे शहर का माहौल कैसा होता है बाबर ये पहली बार ही देखेंगे। अगर भारत और पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बात करें तो पाकिस्तान की टीम ने भारत में काफी वनडे मैच खेले हैं। 1983 से 2013 के बीच दोनों के बीच 30 मैच खेले गए हैं जिसमें भारत ने 11 जीते हैं जबकि 19 मुकाबले गंवाए हैं। मगर इसके बावजूद अक्टूबर में बाबर आजम की अगुवाई वाली मौजूदा पाकिस्तान की टीम पहली बार ही भारतीय जमीन पर खेलेगी। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान की वही टीम वर्ल्ड कप खेलेगी जो हाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेली थी। टीम में बदलाव की संभावना ना के बराबर है। पाकिस्तान की मौजूदा टीम पिछले कुछ समय से लगातार कमाल का प्रदर्शन कर रही है। हालांकि बाबर की टीम भारत से टकरा चुकी है मगर वो सभी मुकाबले विदेशी मैदान पर खेले गए थे।